बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9 का रिव्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहता है कि चूज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या कहता है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, ये उसने हमें दो पॉइंट्स का पेयर दे दिए, एंड दिस, ठीक है, इन दोनों पेयर्स के दरमियान वो कह रहा है कि आप डिस्टेंस फाइंड आउट करें। इन पॉइंट्स के दरमियान और इन पॉइंट्स के दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम देख सकते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास ये है। इसमें हमने पुट कर देते हैं वैल्यूज, ये वाई की वैल्यू, सेकंड वैल्यूज माइनस फर्स्ट वैल्यूज। देखिए 1-0 हो गया यहाँ पर, ओके, और यहाँ भी 1-0 हो गया, 1-1 बच जाएगा, उनका स्केयर आ जाएगा, 1 square 1 square, 2 हो गया, 2 का अंडर रूट यहाँ पर है, तो हम इसको कर लेंगे सिलेक्ट। सेकेंड देखें स्टेटमेंट में क्या कहा जाता है। डिस्टेंस बिटवीन दीज, ये हमारे पास अब इस तरह के पॉइंट्स आ गए, इनको भी इसी तरह से हम फार्मूले में पुट करेंगे, वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएगी आंसर की, √2। ये देखें √2, इसको हमने कर लिया सिलेक्ट। तीसरे में जाते हैं मिड पॉइंट फाइंड आउट करें, आप इन दो पॉइंट्स के दरमियान मिड पॉइंट क्या होगा। ओके, तो मिड पॉइंट का फार्मूला हमारे पास ये है, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू ओवर 2। यहाँ इसका एवरेज ले लेंगे, यहाँ इसका मिड ले लेंगे, ठीक हो गया। दोनों से क्या कहते हैं 1-1 से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 1-1 आ जाएगी वैल्यू। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है इन दो पॉइंट्स के दरमियान, वही हम करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, 2-2 0, 2-2 0 हो जाएगी यहाँ पर हमारी, और क्या कहते हैं वो 0-0 आंसर आ जाएगा। ये हमने इसको चूज कर लिया, ओके। 5 स्टेटमेंट कौन क्या कह रही है हमें। आर ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, जब ऐसी ट्राइंगल हो जिसकी तमाम साइडें बराबर हो, तीनों साइड इक्वी लिटरल, उसको हम कहते हैं ट्राइंगल इक्वी लिटरल, ओके। अच्छा, ऐसी ट्राइंगल जिसकी तमाम साइडें डिफरेंट हो, ये इसकी ऑपोजिट है। एक तो है ना जिसकी सब साइडें बराबर हैं, इक्वल हैं, उसको इक्वी लिटरल कहते हैं। अगर सब एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी उसको हम कहेंगे स्केलन, स्केलन ट्राइंगल, ओके बच्चों, इसको हम कर लेंगे सिलेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दो पॉइंट्स दे दिए हैं उसने, ये दो पॉइंट और ये दो पॉइंट, ठीक हो गया। ये देखिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस इसमें से हम माइनस करेंगे इसको, ये देखिए 1-7 कर दिया, और -1-5 हो गया, -6-6 इनके स्केयर अगर 36 36, और इनको जमा कर देंगे 72 आ जाएगा, ये हमारा आ गया डिस्टेंस, ओके। फाइंड करें मिड पॉइंट, मिड पॉइंट क्या होता है, दो के इन दोनों का एवरेज निकाल देंगे, कॉमा लगाएंगे, इन दो का एवरेज निकाल देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, ये हो गया हमारा इसका आंसर। कितने सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ देखें, यहाँ भी हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, इसको -5-7 लिया ओवर 2 कर दिया, यहाँ -7-5 किया ओवर 2 कर दिया, ठीक है, ये 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, और ये क्या आ गया -6-6, ये हमारा आ गया आंसर। ये बच्चों हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, जस्ट डेफिनेशंस हैं यहाँ पर, ये एग्जाम में आ सकती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग, पहले नंबर पे क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों, कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, जिसको हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप इन कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन। ये जो एक्स वाई का प्लेन होता है ना, उसमें हम ज्योमेट्री की कोई भी शेप को स्टडी करते हैं, जैसे उसके अंदर हम ड्रॉ कर देते हैं सर्कल को, ट्राइंगल को, रेक्टेंगल को, कोई भी शेप को जब उस कोऑर्डिनेट प्लेन में हम ड्रॉ करके स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोलिनियर क्या होता है, टू और मोर देन टू पॉइंट, ठीक है, विच लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दैट लाइन, ठीक हो गया। दो या दो से ज्यादा पॉइंट जो कि लाई करें, कहां पर, एक लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर, जैसे कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक पॉइंट यहाँ पर ड्रा हो गया, एक पॉइंट यहाँ ड्रा हो गया, एक यहाँ ड्रा हो गया, एक स्ट्रेट लाइन पर ड्रा हो रहे हैं मुख्तलिफ पॉइंट, तो उनको कहेंगे कोलिनियर, भाई एक ही लाइन पर है, ठीक हो गया। नॉन कोलिनियर द पॉइंट्स विच डोंट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन कॉल्ड नॉन कोलिनियर। अब एक लाइन आपके पास ये है, पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए।
इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर होंगी, ये देखें 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इक्विलेटरल होगी। स्केलन ट्रायंगल कौन सी होंगी जिसकी देखें ये वाली साइड देखें 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ऑल साइड्स आर डिफरेंट, सो दैट वी कैन से दिस ट्रायंगल इज स्केलन ट्रायंगल। सो बच्चों ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज रिव्यू डाइव की, और तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफिज। हाँ बच्चों।